So guys, we are in a situation. This is our tempo traveler. We are waiting. See, we all are waiting because something happened, and let me show you what happened. It's raining like cats and dogs here. We are in Jim Corbett area. Here. Okay. Look at it, man. Look at the flow. And they all are waiting. But yahan pe kuch officials bhi hain, wo bol rahe hain, like they are. ऑफिशियल्स बोल रहे हैं शायद हमें और 4-5 घंटे रुकना पड़े या फिर कल सुबह तक भी हमें रुकना पड़ सकता है अगर ये फ्लो ऐसे ही रहा. एक्सक्यूज मी सर, अगर ये इसी तरह कंटिन्यू रहा तो कितना टाइम लग जाएगा? 2-3 घंटा 4 घंटा. और अगर बारिश ऐसी कंटिन्यू रहा फिर भी 4 घंटा, फिर तो फ्लो तो ऐसे ही रहेगा ना? अगर बारिश अभी रुकी तो 2-3 घंटा. हाँ, अगर वहाँ पे रुक गया अभी तब 2-3 घंटा, और अगर कंटिन्यू रहा तो कुछ नहीं कह सकते. और इसमें तो कोई भी नहीं निकल सकता, ट्रक भी नहीं निकल सकता मेरे ख्याल से ना इतने फ्लो में. वो जा नहीं रहा, अपने अपने रिस्क पे नहीं जा रहा. मतलब आप यहाँ पे ऑफिशियल हो ना, मतलब आप यहीं पे है ना, तो आप भी इस गाड़ी को तो आप रेकमेंड नहीं करोगे ना जाने के लिए? आप भी नहीं निकल रहे ना? उधर स्कूल के बच्चे भी हैं, वो भी वेट कर रहे हैं, वो भी नहीं निकल पा रहे हैं. सी फ्रेंड्स, स्कॉर्पियो. अरे केकड़ा है ये तो साले. This is the flow. वहां से ट्रैक्टर भी नहीं आ रहा, ट्रैक्टर वापस जा रहा है शायद. अच्छा, उसने वहीं पे रोक दिया. बहुत ज्यादा फ्लो है यार ये तो, है ना? नहीं रुक पाएगी गाड़ी. अगर 1 सेकंड भी अगर गाड़ी ने अपनी ग्रिप लूज करी ना, पानी ले गए. वो सही बात है ना, चाहे तो निकाल सकता है लेकिन रिस्क है. अरे गाड़ी पलट गई नहीं क्या? और निकालने वाला कोई नहीं है. हाँ, बहुत बड़ा रिस्क है. ऐसा तो यानी कि तुरंत कोई आ जाएगा निकालने के लिए, क्रेन वगैरह, उससे और तगड़ा हो जाएगा. फिर और बढ़ गया है पानी.